नमस्कार, मैं हूं दीनानाथ। आप देख रहे हैं जन संसद न्यूज। जैसा कि समस्त देशवासियों को आज पता था कि कुछ जातिगत आरक्षण विरोधियों ने भारत बंद का आह्वान किया था, उस आरक्षण विरोधियों के भारत बंद का आह्वान पर क्या हुआ है मैं जानना चाहूँगा। नेशनल पूरे देश के आरक्षण विरोधियों के सेंटर बने प्रवीण अरोड़ा जी से। 8 दिसंबर भारत बंद पूर्ण रूप से सफल रहा। सफलता का विशेष कारण शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से, कोई व्यवस्था खराब नहीं हुई, भारत राष्ट्र में कोई आगजनी नहीं हुई, एक सभ्यता का परिचायक आज उपस्थित हुआ। तो इस कारणवश मैं इसको सफल बंद कहूंगा जातिगत आरक्षण के विरोध में। संगठन आपका समर्थन किया सर? भारत राष्ट्र के अनेकों अनेक संगठन, अनेकों अनेक राजनीतिक पार्टियां जो जातिगत आरक्षण समाप्ति विचारधारा रखती हैं, लगभग सभी ने इसमें भागीदारी ली। और कुछ सूची आज का समय प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक का था और अभी 1 घंटा शेष है। कुछ सूची मेरे पास आई हुई है जिसको मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। आरक्षण विरोधी आह्वान ट्रस्ट शालीमार बाग दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता सिम्मी बर्नवाल जी कर रही थी। जन अधिकार मोर्चा गाजियाबाद से जो राजेश शर्मा जी एकत्रीकरण में उपस्थित थे। समता भारत राजस्थान महाप्रसाद महावीर प्रसाद जी बीकानेर से थे। और मध्य प्रदेश से आदरणीय राजेश भार्गवत जी जो नोटा समर्थक हैं शिपरी से, उन्होंने भागीदारी ली। प्रजा शक्ति पार्टी से आदरणीय पंकज रावत जी झांसी एलाइट चौराहा पर उन्होंने एकत्रीकरण रखा। आदरणीय अरविंद कुमार पांडे जी प्रतापगढ़ बलिया इलाहाबाद में इन्होंने एकत्रीकरण रखा। और संजय दुबे जी जो सामान्य एकता पार्टी से महिपालपुर में अग्रणी भूमिका में रहे। जनरल समाज पार्टी से आदरणीय सतीश बंसल जी पंचकूला चंडीगढ़ में इन्होंने एकत्रीकरण रखा। आदरणीय शक्तिधर शर्मा जी ने हरिद्वार में ज्ञापन दिया। आदरणीय भवन सरस्वत जी भारत लोक सेवक पार्टी से सूरत गुजरात में इन्होंने एकत्रीकरण रखा। और मदर इंडिया पार्टी ने नोएडा बादलपुर एके दुबे जी के नेतृत्व में भारत लोक सेवक पार्टी पीतमपुरा में दिल्ली में आदरणीय राजेश गुप्ता जी के सानिध्य में बंद का आह्वान रहा। और आरक्षण विरोधी आह्वान ट्रस्ट जोधपुर में आदरणीय राजेंद्र सिंह राठौड़ जी अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में एकत्रीकरण रहा। पंजाब से जलालाबाद बलवंत सिंह जी ने, और राजस्थान में गंगानगर में भारत लोक सेवक पार्टी से ही श्री सीताराम मोट जी और कुलदीप जी अग्रणी भूमिका में रहे। और अनेकों ने एक संदेश अमेरिका से डॉक्टर्स जो यहाँ पर पलायन की ओर गए हैं उनकी ओर संदेश आए कि यह जो सरकारों का निर्णय भारत राष्ट्र में 10 वर्षों के लिए अस्थायी व्यवस्था को आगे की ओर अग्रसर किया जा रहा है, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसला। और वैज्ञानिकों की ओर से भी एक संदेश आया कि यह फैसला सरकारों का दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। और मैं सभी आपके जन संसद न्यूज चैनल के माध्यम से भारत राष्ट्र के सभी नागरिकों को जातिगत आरक्षण समाप्ति विचारधाराओं को, संगठनों को, राजनीतिक पार्टियों को, भारत राष्ट्र के सभी नागरिकों को, चाहे वह किसी भी वर्ग में उपस्थित हैं, इवन आरक्षण युक्त वर्ग में भी उपस्थित हैं, जिन्होंने जातिगत आरक्षण समाप्ति हेतु आज जन आंदोलन में बंद का आह्वान किया, परोक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से भागीदारी ली, वे सभी बधाई के पात्र हैं। आप सभी को बहुत 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 बहुत